अपार आईडी कार्ड क्या है? अपार कार्ड विद्यार्थियों के लिए कितना जरूरी है? कैसे बनाएं? जानें सभी डिटेल्स। अपार आईडी कार्ड। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने स्टूडेंट्स के लिए अपार आईडी कार्ड की शुरुआत की है। अपार कार्ड यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री कार्ड प्री प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए बनाया जा रहा है। डॉट इसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। इसके जरिए स्टूडेंट्स का पूरा एजुकेशनल डाटा जैसे कि अवार्ड्स, डिग्री, स्कॉलरशिप और अन्य क्रेडिट डिजिटल रूप से अपार आईडी में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अपार कार्ड के लिए एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पर अब तक 29.18 करोड़ स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। अपार कार्ड का उद्देश्य स्टूडेंट्स को अपने एजुकेशनल क्रेडिट, डिग्री और अन्य जानकारी ऑनलाइन इकट्ठा करने में सक्षम बनाना है। अपार आईडी कार्ड एक जीवन भर रहने वाला नंबर है जो स्टूडेंट्स की एकेडमिक जर्नी और उनकी उपलब्धियों को ट्रैक करेगा। इसके साथ इससे एक स्कूल से दूसरी स्कूल में ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाएगा। आई स्टूडेंट्स अपार कार्ड को रजिस्ट्रेशन करने के बाद डाउनलोड भी कर सकते हैं। अपार कार्ड में 12 अंकों का यूनिक नंबर होता है जो एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। आई कैसा बना सकते हैं अपार कार्ड? अपार कार्ड बनाने के लिए विद्यार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए। आई अपार कार्ड का संबंधित स्कूलों और कॉलेजों द्वारा रजिस्ट्रेशन करके दिया जाएगा। उसके लिए विद्यार्थियों अभिभावकों की सहमति ली जाएगी। आई अपार के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न। एक, अपार क्या है? अपार जिसका अर्थ है स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री, यह एक विशेष पहचान प्रणाली है जो भारत के सभी छात्रों के लिए डिजाइन की गई है। यह पहल सरकार द्वारा शुरू किए गए एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप है। दो, छात्रों के पास अपार आईडी क्यों होनी चाहिए? अपार आईडी एक अद्वितीय 12 अंकीय कोड छात्रों को उनके सभी शैक्षणिक क्रेडिट्स को डिजिटल रूप से संग्रहित, प्रबंधित और एक्सेस करने में मदद करेगा, जिसमें स्कोर कार्ड, मार्कशीट, ग्रेड शीट, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र और सहपाठ्यचर्या उपलब्धियां शामिल हैं। यह आईडी शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में छात्र के लिए एक स्थायी डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करती है। तीन, अपार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? आजीवन शैक्षणिक पहचान। प्रत्येक छात्र को एक अद्वितीय 12 अंकीय आईडी मिलती है। केंद्रीकृत प्रणाली सभी शैक्षणिक रिकॉर्ड को एक ही स्थान पर प्रबंधित करती है। क्रेडिट स्थानांतरण संस्थानों के बीच क्रेडिट स्थानांतरण को सुगम बनाती है। आजीवन पहचान छात्र के शैक्षणिक और पेशेवर करियर के दौरान साथ रहती है। इसके अतिरिक्त इसमें ये विशेषताएं भी हैं: छात्र की उपलब्धियों को संरक्षित करना, क्रेडिट मान्यता को सरल बनाना, शैक्षणिक लचीलेपन को बढ़ाना और संस्थानों के बीच क्रेडिट स्थानांतरण को सुगम बनाना। फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। 1. हाउ डू स्टूडेंट्स ऑब्टेन देयर अपार आईडी? Students need to follow these steps. Verification. Visit the school to verify demographic details. Parental consent. Obtain parental consent if the student is a minor. Authentication. Authenticate identity through the school. ID creation. Upon successful verification, the APAR ID is created and added to DigiLocker for secure online access. 2. Who is responsible for accuracy of the information in the APAR ID? Students, their parents, the school administration, and class teachers are all responsible for ensuring that student data is accurate and up to date during registration and admission. 3. What is the official website of APAR and ABC? APAR website https://apar.education.gov.in.
एबीसी वेबसाइट https://www.abc.gov.in. If you like the information, don't forget to like, subscribe and share the video. Thank you for watching. Have a great day.